नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉलर बनाने का और लगाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे हमने कुर्ती कटिंग की हुई है, कुर्ता पट्टी हमने यहाँ पे इस तरीके से तैयार की हुई है। इसी कुर्ती में हमने यहाँ पे कॉलर ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले हमें कॉलर कटिंग करना होता है। तो पहले थोड़ा यहाँ पे साइज जान लेते हैं। देखिए, ऊपर से हमने रखा हुआ है यहाँ पे 24 इंच का हमने नाप रखा हुआ है छाती का, और आर्म होल हमने यहाँ पे 8.5 इंच कटिंग किया हुआ है, और तीरा जो है हमारा शोल्डर ये हमने 9 इंच रखा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे बात करें जो हमने हल्ला कटिंग किया हुआ है, इस तरीके से देखेंगे तो हमने 3.5 इंच कटिंग किया हुआ है, और ब्रॉड लेंथ में हमने यहाँ पे ये 3 इंच कटिंग किया हुआ है, क्योंकि हैवी साइज है तो थोड़ा सा हमें बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये कंधे को जोड़ लेना है आपस में। तो ये देखिए, हमने दोस्तों यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं आपस में इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे साइज लेना है। पहले साइज आप गर्दन का ले लें, तो हमने यहाँ पे जो साइज लिया था 18 से 18.5 इंच का हमें कॉलर यहाँ पे लगाना है। तो पहले हम इसको नाप लेते हैं। नापते ऐसे हैं, इंच टिप को ऐसे आपने रखना है, और यहाँ पे दोनों साइड से इसको ऐसे पकड़ना है मिलाते हुए, और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे इसको सेट करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक आएगा, 18.5 इंच का हमने यहाँ पे कॉलर लगाना है, तो ये 1.25 इंच तक आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। अब हमें एक पट्टी लेनी है इस तरीके की चौड़ाई वाली, 3 इंच वाली, 3 से 3.5 इंच हो, और इसमें हमने 18.5 के हिसाब से निशान लगा लेना है 1.25 इंच पर ऐसे, और इस साइड से हम यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 1.75 इंच पर निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर हम पहला निशान 3 इंच पर लगाएंगे। और अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से। ये कॉलर कटिंग करने का बहुत आसान तरीका है, ऐसे हमने मिला लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे साइज लेना है। साइज आप यहाँ पे 1 इंच का लेंगे कॉलर का तो ज़्यादा ठीक रहेगा, 1-1 इंच पे हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है, इन निशानों को भी आपस में इसी तरीके से हम मिला लेते हैं, और यहां पे डाल देंगे गोलाई। तो ये सेव आ जाएगी हमारी, इसी निशान के ऊपर हमें यहां पे कटिंग करना है। तो ये देखिए, कॉलर जो है हमने यहां पे कटिंग कर लिया है। अब इस कॉलर को हम चिपका लेते हैं कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे जो कॉलर है ये पेस्ट कर लिया है इस तरीके से, और जो नोक वाली साइड होती है, ये वाली नोक वाली, इस साइड का कपड़ा जो होता है ये फोल्ड कर लेना है ऐसे। अब तैयार करने के लिए हमें एक कपड़ा लेना होगा अलग से, और नीचे की साइड सेम ऐसे ही इसको रखेंगे कपड़े को, और यहाँ पर जो हमारी बुकरम है इसके साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे बीच बीच में ऐसे हल्के हल्के कट लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे पलट लेंगे, ये हमने पलट लिया है, और इसको प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे।
तो ये देखिए हमने इस तरीके से प्रेस से सेट कर लिया है, पूरी गोलाई हमारी अच्छे से सेट होनी चाहिए। इसके बाद हम इस साइड का यहाँ पे मार्जिन कटिंग करेंगे, सिर्फ हमें एक पैर का, जितना हम सिलाई में लेते हैं उतना मार्जिन रखना है और इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने काट लिया है, एक बार फिर से हम यहाँ पे चेक करेंगे इस तरीके से पकड़ते हुए, यहाँ पे कहीं पे भी कोई हमारा लूज पॉइंट ना रहे, सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेंगे ऐसे। ये हमने सेंटर पॉइंट बना लिया है और इस तरीके से नाप के देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। हल्का सा हम इसको हल्का सा खार सकते हैं, बिल्कुल मामूली सा इस तरीके से। और इसके बाद हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना शुरू करना है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। बैक साइड का सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है, ये हमारा बिल्कुल मैच करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ लेना है और इसके बाद ये वाला मार्जिन जो होगा हमारा अंदर की साइड ऐसे चला जाएगा और यहाँ पे हम ऊपर से लगाएंगे सिलाई। तो सिलाई भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कंधी से ऐसे पहले इसको अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट से सिलाई की शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों हमने कॉलर जो है यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है और आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी हमारी पूरी फिनिशिंग आई है यहाँ पे कॉलर में, और पूरी बैक साइड गोलाई हमारी परफेक्ट रहेगी अगर आप इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। और ये गर्दन में पूरी का पूरा पूरा सेट आ जाता है, मतलब ऐसे नहीं कि ये कहीं झोल मारेगा या इसमें कुछ ऐसा आएगा, पूरा पूरा का पूरा हमारा कॉलर अच्छे से सेट रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी बहुत ही आसान तरीके से कॉलर कटिंग करना और बनाना और ज्वाइंट करना सीख सकते हो, जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।